चौ को दिल्ली में फहरा। ये
इन बलिदानों के कारण ही है कि आज हम आजाद हैं और बिना किसी डर के अपना सर उठाकर चल सकते हैं। आइए हम जलियांवाला बाग की इस मिट्टी पर खड़े हो सम्मान, आदर और गरिमा के साथ अपनी श्रद्धांजलि प्रकट करें। ये बाग आने वाली पीढ़ियों को भी राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत करता रहेगा।
सुदृढ़ रहते हुए उनमें एक नई जान खून दी थी। अंग्रेजों का भारतीय राष्ट्रवाद को अत्याचारों द्वारा कुचलने का सपना चूर चूर हो गया। अंग्रेजों द्वारा लगाई गई रोक के बावजूद जनसंहार, लोगों पर गोलीबारी और त्योहार को खूनी होली में बदल देने की खबर आसपास के गांव तक पहुंच गई और एक 12 साल के लड़के ने भी ये खबर सुन आंखों में आंसू थे और दिल में गुस्से का तूफान, और वो खुद अपनी आंखों से देखना चाहता था अंग्रेजों के अत्याचारों को। जी हाँ, इस लड़के का नाम भगत सिंह था। उनका जिसका चाचा अजीत सिंह